मैंने लोगों को बोला कि परमेश्वर ने कहा कि मैं भयानक जो तूने काम किए मेरे लिए उनके द्वारा मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में कि तेरे भयानक कामों के कारण जो तूने किए, तेरी बात कर रहा है, तुम्हारी बात, मेरी बात परमेश्वर कर रहा है, कहता भयानक कामों के कारण मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुम्हें दूंगा। क्या है भयानक काम? किसी को जाके परमेश्वर के बारे में बता के आना जो बिल्कुल कट्टर हो, दुश्मन हो परमेश्वर का। सुसमाचार वहां लेके जाना जहां ना पहुंचाओ, किसी चीज की परवाह ना करना, ना डरना, ना घबराना, अपने रिश्तेदारों को बता के आना कि मैं परमेश्वर में हूं, बीज बोने के लिए परवाह ना करना, काम करने के लिए परवाह ना करना, प्रभु का काम खुल के करना। कहता भयानक कामों के कारण तू मुंह मांगा वरदान पाएगा। आज बोलो चाहिए परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वरदान दे, जो मैं चाहता मुझे दे। बाइबल कहती उस तू भयानक काम जब परमेश्वर के लिए करेगा तो तेरा मुंह मांगा वरदान भी यहोवा तुझे देगा। पर अगर वचन पढ़ा ही नहीं है और सिर्फ मांगते जा रहे हैं जिन्नी की तरह, जैसे जिन के पास आए कि विष मांग ली, ये विष मांग ली, लगता चिराग से अभी जिन निकलेगा और अभी बोल देगा ये ले मेरे आका। हमारा परमेश्वर जिनी नहीं है। हाँ, वो कार्टून से बाहर निकलो, वो कार्टून वाली चीजों से बाहर निकल के थोड़ा असली में आगे काम करो ताकि परमेश्वर आपको फल दे। आमीन। कहता तेरे किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। तेरे किए भयानक कामों के द्वारा, अपने चले चलाए काम को छोड़ के मिनिस्ट्री में आना, ये भयानक काम था, और मुझे मुंह मांगे वरदान मिले, सब कुछ सेट करके छोड़ देना फिर मिनिस्ट्री में आ जाना, ये भयानक काम था परमेश्वर के लिए। परवाह ना करना पूरे काम की, जैसे करना वैसे ही करना, किसी का डर ना रखना, ये भयानक काम था। कहता तू भयानक मेरे लिए काम करेगा, मैं मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। तू अपनी जान खोएगा, मैं तुम्हें वापिस करूंगा। तू अपने बचाएगा, मैं तुझे छीन लूंगा। तू मेरे लिए खोल देगा सब कुछ, मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने जीना सिखाया आपको वचन के जरिए। आमीन। अगर उन दिनों में अपने रिश्तेदारों को चैलेंज ना करता कि मैं यहोवा को मानता हूं, यीशु मसीह को मानता हूं, अगर वो मुझे चैलेंज ना करते, एक दिन तू वापिस आएगा अपने धर्म में। उनको ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं। हां, आज वो आना चाहते हैं। हां, कितनी बार बता चुका हूं मैं, वो आना चाहते हैं। आमीन। या तो आप शैतान को अपनी ओर खींचोगे या उसकी ओर चले जाओगे, बीच में कुछ नहीं। या तो व्यभिचार की ओर चले जाओगे या उसे तोड़ दोगे, बीच में कुछ नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको ताकत देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है हर एक काम को करने की और फलदार रहने की अपनी लाइफ में। आमीन। कहता तू अपने किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाए। अपने पड़ोसी को बोलो भयानक काम कर, बड़े काम कर, अगर तू मुंह मांगा वरदान परमेश्वर से पाना चाहता है तो। आमीन। कहता अपने किए हुए भयानक कामों के कारण तू यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाएगा, जो तू कहेगा यहोवा वो करेगा। हालेलुया। नीति वचन के द्वारा, कहता इनके द्वारा पढ़ने वाला बंदा बुद्धि प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, काम करने की प्रवीणता प्राप्त करेगा। एक वचन मैंने आपको पढ़ाया था 14:8 में लिखा, चतुर का वो चतुर जो होते हैं, चालाक जो होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी चाल को जानते हैं। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्ता छल करना है। जो चालाक होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो हर वक्त अपनी चाल को समझते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों को समझते हैं। ओ कितना चालदा हाले प्रभु जी, दारू पीती हो ने? हाँ, पर कहता बुद्धिमान हर वक्त अपने आप को देखता है। आज मैंने प्रेयर की, हाँ आज मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं, अभी मैंने फास्टिंग कितने दिन हो गए नहीं किया, की कौन सा काम मैंने करना है अभी, क्या पाप है जो प्रभु मुझसे खुश नहीं, मैंने छोड़ना, हाँ कौन सी सिद्धता में मैंने आगे जाना है। बुद्धिमान कहता है ऐसे चलते हैं, और मूर्ख वो दूसरों की ओर ध्यान देता है। ये मैंने एक वचन आपको, दो तीन वचन दिए हैं सिर्फ, और सोचो जब आप पूरे
31 पर पढ़ोगे, अध्याय पढ़ोगे तो कहां बुद्धि जाएगी आपकी, कहां दिमाग जाएगा। और सोचो अगर पूरी बाइबल आप पढ़ने बैठ जाओ और बाइबल का एक एक अंग आप खा जाओ अपने अंदर, तो सोचो आप कैसे व्यक्ति बन जाए। इमेजिन करके देखो आप, अगर बाइबल आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, अगर वचन आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, तो आप कहां जाओगे। हालेलुया। कहता बैल जहां नहीं वहां गौशाला निर्मल रहती, पर कहता बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। कहते पंगा लेना ही नहीं है जी कोई, आराम से रहना है कंफर्ट में, तो कहता अनाज की बढ़ती तुम्हारी जिंदगी में पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहां काम होगा वहां पंगा होगा, वहां डिस्कंफर्ट होगा, पर वो अनाज की बढ़ती के लिए होगा, आपकी ब्लेसिंग के लिए होगा। और सोचो एक वचन अगर नीति वचन पढ़ के हमें एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने को मजबूर कर सकता है, सोचो अगर मैं बाइबल को रोज पढ़ना शुरू कर दूं और रोज इस पे चलना शुरू कर दूं और रोज इस तरह से पढ़ूं कि परमेश्वर आज वचन से तू मुझसे बात कर और वचन के जरिए मैं जानना चाहता हूं तू क्या चाहता है, और वचन को समझ के जब चलना शुरू किया जाएगा, सोचो कैसी स्थिरता आपकी लाइफ में होगी। हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाओ फिर से, बोलो वचन मेरी जिंदगी का हिस्सा बने, मैं इसे रोज पढ़ूं ताकि मैं स्थिर रह सकूं, फलदायक रह सकूं, किसी अच्छी चीज की मुझे कमी ना हो, मैं उसके वचनों से खोज सकूं, यहोवा के मन को जान सकूं, परमेश्वर के उद्धार को समझ सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा के एक सेकंड के लिए। आमीन।